वोट देने के लिए प्रेरित करना एक बात है, अच्छी बात है, और वोट देने के लिए, अपने पक्ष में वोट देने के लिए भड़काऊ बयान देना दूसरी बात। लेकिन शायद राजनीति इस फर्क को समझती नहीं या फिर समझना नहीं चाहती। एक तरफ गाजीपुर जहां पर अपराधी को क्रांतिकारी बताकर वोट मांगा जाता है, दूसरी तरफ फरुखाबाद जहां पर वोट जिहाद की बात कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर इन सभी चीजों को लेकर बेहद आक्रामक है। ये मुस्लिम वोट की सियासत है जहां अपराधी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अफजाल क्रांतिकारी बताते हैं ताकि वोट मुख्तार के नाम पर मिले। आज भी सरकार के जरिए से, अपनी हुकूमत की ताकत के जरिए से समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, और इस बार फिर आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है, इसमें फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तो यही मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है, हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होने चाहिए। और ये मुस्लिम वोट की ही सियासत है जहाँ वोट देने के लिए वोट जिहाद की बात आई। खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। और अब समाजवादी पार्टी की नेता मारिया खान के इसी वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी आक्रामक हो गई। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर, आदेश पर इस प्रकार वोट जिहाद की बात चलाई जा रही है क्या? ये इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा है जो देश के लिए खतरनाक है। भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है, भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पे कार्रवाई हो रही है। दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तीसरे चरण के रण से पहले वोट जिहाद वो मुद्दा बन गया जिसके खिलाफ दस्तक दी जा रही है, क्योंकि मारिया खान जो फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है, इसी फरुखाबाद से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अकलमंदी, खामोशी और एक साथ होकर फरुखाबाद में वोटों के जिहाद की बात की। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है, बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। ये वोट के लिए किस सीमा तक गिर सकते हैं, इसका प्रतीक है। यही तुष्टीकरण की राजनीति है जिसका हम विरोध करते हैं। ऐसी मानसिकता ही देश को नुकसान पहुंचाती है, देश इसको कभी सहन नहीं करेगा। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का।